साथ रूस के हमले से यूक्रेन एक बार फिर दहल चुका है, इसके पीछे की वजह बताएं। तो देखिए, यूक्रेन के छोटे से शहर में बड़ी मिसाइल दागकर रूस ने एक रिहायशी इलाके को बारूद में तब्दील कर दिया। इस हमले में गुस्साए यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन का एक शहर एक बार फिर दहला। नाम है निप्रो। रात के अंधेरे में शांति को चीरते हुए एक मिसाइल रिहायशी इलाके में घुसी। बिल्डिंग आग में तब्दील हो गई और देखते ही देखते जमीन में समा गई। महायुद्ध में एक बार फिर रूस की तरफ से हमले काफी तेज हो गए। इस बार रूस की सेना ने यूक्रेन के निप्रो शहर को निशाना बनाया। शनिवार को एक दो मंजिला घर में तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 5 बच्चों सहित 20 लोग जख्मी हो गए हैं और अब भी मलबे में कई लोगों के दबे होने का दावा किया जा रहा है। रूस के इस घातक हमले को जेलेंस्की निजी हमला बता रहे हैं। जेलेंस्की ने इस हमले का एक वीडियो भी शेयर करते हुए पुतिन को टारगेट किया है। जेलेंस्की ने कहा कि विस्फोट के बाद लोग मलबे के नीचे दबे हैं। रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक आतंकवादी देश है। रूस की तरफ से हर दिन हो रहे हमलों का यूक्रेनी सेना सामना कर रही है और नेटो से मिले एंटी मिसाइल सिस्टम कई हमलों को नाकामयाब कर रहे हैं और यूक्रेन की सेना यूक्रेन के लोगों के लिए कवच बनी हुई है, जिसके लिए जेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेन की सेना का शुक्रिया अदा किया। Напередові чи у захисті нашого неба за добу або за тиждень. А сьогодні більш персональна подяка конкретним воїнам. Маємо пам'ятати усі, що наша оборона наші. वहीं रूस की सेना का दावा है कि युद्ध भले ही जारी हो, सेना भले ही आक्रामक हो, लेकिन उनका टारगेट नागरिक इलाके नहीं है। यही नहीं, रूसी सेना ने आरोप लगाया कि यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क इलाके में MLRS से एक साथ 30 रॉकेट दाग कर तबाही मचाने की कोशिश की। इस हमले में कई लोगों के जख्मी होने का दावा है, यानी तबाही की तस्वीर वही पुरानी है। हमले दोनों ही देशों की तरफ से जारी है। हर हमले का जवाब रूस और यूक्रेनी सेना एक दूसरे को दे रही है। झुकने को कोई तैयार नहीं। रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना अब मुखर हो चुकी है। जेलेंस्की ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। दरअसल ऐलान इस बात का किया गया कि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर चढ़ाई के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। जेलेंस्की का ये चैलेंज महायुद्ध के महाविध्वंसक होने का संकेत दे रहा है। यूक्रेन में हमलों का सिलसिला ऐसा हो चला है कि अब कीव में राष्ट्रपति भवन के आसपास बम और मिसाइलें गिरने लगी। खेरसॉन से लेकर क्राइमिया तक जंग इस तरह से लड़ी जा रही है जैसे इसे पुतिन जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। पुतिन की पलटन लगातार अटैक पर अटैक कर रही है। टैंक रेजिमेंट्स के साथ साथ रॉकेट रेजिमेंट लगातार गोले और रॉकेट से हमलों को अंजाम दे रही है। यूक्रेन के पास अब नेटो से मिले अत्याधुनिक हथियार हैं, जिनसे वो अपनी रक्षा भी कर रहा है और रूस को जवाब भी दे रहा है। अमेरिका अंदेशा जता चुका है कि ये युद्ध अभी समाप्त नहीं होने वाला, जबकि चीन ने प्रण लिया है कि किसी भी हाल में वो युद्ध रुकवा के रहेगा। लेकिन लगता नहीं कि ये युद्ध अभी रुकने वाला है, क्योंकि रूस लगातार इस युद्ध में नए हथियार उतार रहा है और कहीं ज्यादा खतरनाक हथियारों से हमला कर रहा है। यहाँ तक कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जो अब तक इंसानी इतिहास में कभी भी कहीं भी जंग में इस्तेमाल नहीं हुए थे।
जबकि यूक्रेन को भी अमेरिका समेत यूरोप के कई मुल्कों से अत्याधुनिक हथियारों की अच्छी खासी खेप मिली है और इसी खेप के दम पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति काउंटर ऑफेंस का दम भर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने की बड़ी तैयारी। पुतिन पर होगा तगड़ा हमला। रूस का कब्जा हटाने की कसम। एक अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के कब्जे वाले इलाके को वापस हासिल करने के लिए हमले की तैयारी हो चुकी है और कभी भी अपना काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हम रूस के कब्जे वाले क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के लिए अपने लंबे समय से प्रतीक्षित जवाबी हमले को शुरू करने के लिए तैयार हैं। हम दृढ़ता से मानते हैं कि हम सफल होंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन हम इसे करने जा रहे हैं और हम तैयार हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी मुल्कों से हथियार की मांग कर रहे हैं और उन्हें लंबी दूरी के हथियारों की अच्छी खासी खेप मिल चुकी है और साथ ही ज़ेलेंस्की को जवाबी हमले के लिए जिन बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत थी वो भी अच्छी खासी तादाद में की पहुंच चुकी है। वहीं रूस के हमलों को रोकने के लिए रक्षा कवच के तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से दुनिया के सबसे अच्छे माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि इसे ज़ेलेंस्की की कूटनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है जो रूस पर जवाबी हमला कर पश्चिमी मुल्कों और खास तौर पर अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में कि वो यूक्रेन को और ज्यादा तेजी से लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार मुहैया कराए और साथ ही उनके सैनिकों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक ब्रैडली वाहनों की एक टीम को भेज दे। Яке відзначилось найбільше на передовій чи у захисті нашого неба за добу або за тиждень. А сьогодні більш персональна подяка конкретним воїнам. Маємо пам'ятати усі, що наша оборона наші активи.